पहले नमस्कार। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले अन्योन्यकरण म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। वो क्या था? उसमें अपने पास एक ही कुंडली होती थी। उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपन। देखिए कि मान लो अपने पास ये कोई एक कुंडली है। ये सिंबल भी किसका? प्रेरकता का सिंबल होता है, संकेत भी होता है, इसको एल बोलते हैं। पिछली बार क्या था? मान लो अपने पास ये कोयल है, ये कंडक्टर है या कुंडली है। अगर इसमें यह वाला जो करंट था, अगर इसमें करंट बहता है तो इसके अंदर एक दूसरा करंट उत्पन्न हो जाता था, ठीक है? और दूसरे करंट की दिशा इस प्रकार होती थी कि इसमें जो भी चेंज रहा उस चेंज को वो अपोज करता था, कि इसके लेंज के नियमानुसार इसके वो विपरीत होता था। कि देखिए कि ये करंट इससे पूछेगा कि बता भाई तू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? ये बोल रहा है मैं बढ़ूंगा। ये बोला हम बढ़ रहे हैं, तो ये बोले हम आपको घटाएंगे, हम उल्टा चलेंगे आपसे ऐसे आई। और मान लो ये कभी ये वाला करंट बढ़ रहा है इसी कॉइल के अंदर। मान लो यही कॉइल है, अगर ये मेन करंट आपका घट रहा था, मुख्य धारा घट रही होती, तो इसमें ये इसको क्या बोला कि बोलो क्या हो रहे हो कि हम घट रहे, नहीं हम आपको बढ़ाएंगे। जो भी चेंजेस को अपोज करना, अपोजिशन है विधानसभा संसद का, कि जो भी अच्छा काम हो या बुरा काम हो उसका हमेशा अपोजिशन करना है, उसको विरोध ही करना है। ऐसा यहाँ कुछ हो रहा है, जो भी चेंज है उसको अपोज, परिवर्तन का विरोध करना, ठीक है? ये घट रहा था तो इसकी दिशा में हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या थी? यहाँ एक ही कॉइल थी, एक ही कुंडली थी। लेकिन आज अपने पास एक कॉइल नहीं होगी, कितनी कॉइल होगी? दो कॉइल होगी, यानी कुछ ऐसा होगा। अब इसको समझते हैं। यानी एक कुंडली में अगर अपन करंट को चेंज करें तो उसकी वजह से दूसरी कुंडली के फ्लक्स में होगा परिवर्तन, और दूसरी कुंडली के अंदर बन जाएगा EMF, विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा। यानी दूसरी कुंडली में इस बार उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युत वाहक व प्रेरित धारा। यानी ऐसा कुछ है। आज मेरे पास दो कॉइल्स है, एक कॉइल मान लो अपने पास ये एक कॉइल है, ठीक है? और इसको अपन ने बैटरी से कनेक्ट रखा है, प्लस माइनस ये मान लो ई विद्युत वाहक बैटरी, और इसे मान लो ये आई करंट मैन धारा इसमें चल रही है। और यहाँ अपने मान लो लगा दिया, यहाँ अपने स्विच लगा दिया, मान लो की कुंजी लगा दी, ठीक है? और इसके पास एक दूसरी कॉइल और रखी हुई है, इसके पास में एक दूसरी कॉइल और रखी हुई, एक दूसरी कुंडली और रखी हुई है ऐसे। और इसमें कुछ नहीं, इसमें लगा रखा है जी। क्या लगा रखा है इसमें? इसमें मान लो लगा रखा है जी, धारा मापी, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ये धारा को चेक करेगा। अब अपने क्या किया, अपने इसमें पहले की ओपन थी, इस की को अपन ने प्रेस कर दिया, मीन्स कुंजी दबाने पर, यानी अपन ने सर्किट क्लोज कर दिया, जिसको हम बोल रहे हैं कुंजी दबाने पर, मतलब स्विच ऑन करने पर। क्लोज मतलब बंद परिपथ, यानी स्विच ऑन है, तो इसमें ये करंट बढ़ेगा। जैसे करंट बढ़ेगा तो अपने क्या देखा, अगर ये वाला करंट बढ़ रहा है, ये वाला करंट बढ़ रहा है, तो ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसमें कुछ हलचल हो रही है। इसमें कुछ क्या हो रही है? हलचल। यानी ये किस बात का संकेत है कि इसमें कोई करंट बन गया। और अपने देखा जब इस करंट को बढ़ाते हैं, इस करंट को बढ़ाते इसमें उल्टा करंट बना, यानी जब ये वाला करंट इसमें करंट बढ़ रहा है तो इसमें करंट उल्टा। अगर मान लो ये आपका चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें चला ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टा, इसका उल्टा चला इसमें। क्लियर है? क्लियर है? समझ आ गया? इसका उल्टा करंट, यानी जो भी इसमें करंट बढ़ रहा है तो इसमें करंट इसका उल्टा रहा। अब इसको समझना भी सिंपल आसान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस कुंडली में क्या बह रहा है, करंट, तो इसमें क्या बन रहा है, चुंबकीय फ्लक्स। और अब आप करंट को चेंज कर रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और इसका चुंबकीय फ्लक्स इससे गुजर रहा है, जैसे क्या है ये, मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये फील्ड लाइन्स है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो अपन फैराडे के नियम से जानते हैं उसमें क्या बन जाता है, विद्युत वाहक बल बन जाता है। अगर फ्लक्स समय के साथ चेंज होगा तो विद्युत वाहक भी बनेगा, और अगर परिपथ क्लोज है, सर्किट बंद है, परिपथ बंद है, तो उसमें विद्युत धारा भी बन जाती है, उत्पन्न हो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रेरित धारा। ये कब था? कुंजी दबाने पर, ठीक है? यानी इसमें करंट बना। दूसरा केस ये हो सकता है कि अपने कुंडली ले, ये केस सेम केस, वही कुंडली मान लो। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो वही कुंडली है, इसमें ये करंट है, वही बैटरी है, प्लस माइनस ई वोल्ट की बैटरी। अब हमने यहां से कुंजी को हटा दिया, कुंजी मैंने स्विच ओपन कर दिया, ओपन मतलब परिपथ, मतलब स्विच ऑफ कर दिया, मतलब सर्किट ओपन हो गया, परिपथ खुला है, और खुले परिपथ में करंट नहीं बढ़ता। यानी ये बोलेंगे कुंजी हटाने पर, कुंजी हटाने पर। तो अपने क्या देखा, ये जो पास में कॉइल रखी हुई थी, ये जो पास में ये कॉइल रखी हुई है,
इसमें करंट बना, लेकिन इस बार जो करंट है वो पहले के विपरीत है, पहले के V4 गैल्वेनोमीटर। ये करंट इस बार, ये जो I करंट है, मैन धारा, वो क्या हो रही है यहाँ पे, करंट घट रहा है। कैसे भाई? पहले मैक्सिमम था, अब स्विच ऑफ कर दिया, परिपथ खुला है, तो पहले अधिकतम था, अधिकतम से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो करंट क्या हो रहा है, कम। तो अब कम हो रहा है, तो इसमें जो करंट बनेगा वो इसकी दिशा में होगा, यानी जो भी, यानी इसी की दिशा में होगा। देख लीजिए क्लियर, कुंजी दबाने पर, ये कुंजी हटाने पर, इसको बोलेंगे कुंजी हटाने पर, यानी अगर स्विच ऑफ कर दिया तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो किसी कुंडली में, जैसे मान लो ये दो यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्राइमरी कोयल, प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कोयल, प्राथमिक कुंडली, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कोयल, द्वितीयक कुंडली, जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसमें आप करंट चेंज कर रहे हो, वो बोलेंगे प्राथमिक, और जिसमें करंट बन रहा है उसको बोलेंगे द्वितीयक कुंडली। ऐसे ही इसको आप बोल देना प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। अब इसी को हमने शब्दों में लिख रखा है कि जब किसी एक कुंडली में, जब किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तित होने पर निकटवर्ती, उसके पास में दूसरी कुंडली से संबंध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी ये कुंडली आपने रखी, पास में आपने इसमें कुछ करंट को चेंज नहीं किया, तो इसमें ईएमएफ बन गया, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पे दो कॉइल्स होगी, एक कॉइल में होगी जिसमें, जिस कुंडली में धारा परिवर्तित की जाती है उसे बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, तथा जिसमें अन्योन्य प्रेरण द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, द्वितीय कुंडली बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? अब देखिए, अगर प्राथमिक कुंडली में धारा का मान बढ़ाया जाए तो द्वितीय कुंडली में धारा की दिशा इसके विपरीत होती है, और यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान घटाया जाए तो द्वितीय कुंडली में धारा की दिशा इसकी दिशा में, मतलब समान दिशा में होती है। बैठाएंगे तो वही लेंज का नियम लगता है, जो भी चेंज है उसको अपोज करना है। तो ये बात आपने को लिख देनी है, क्लियर आंसर में आ गया। एक कॉइल ली, इसमें करंट चेंज किया, इसका फ्लक्स इससे लिंक है, यानी यहाँ से लाइंस निकल रही है, आप इसमें करंट को चेंज कर रहे हो तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और इसका फ्लक्स इससे गुजर रहा है, यानी इसके फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा, विद्युत वाहक बनेगा, और सर्किट क्लोज हो तो क्या बनेगा, विद्युत धारा बनेगी, जिसे हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट इसको बोला जाता है। अब देखिए ये वाला, ये कब है, करंट बढ़ा रहे हो तो उल्टा हो रहा है, करंट घटा रहे हो तो सेम दिशा में चल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यदि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान बढ़ाया जाता है तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मूल धारा के विपरीत होती है, मूल प्राथमिक धारा की दिशा, ऐसा लिख दो, द्वितीय कुंडली में धारा की दिशा इसके विपरीत होती है, किसके, प्राथमिक कुंडली में धारा के विपरीत होती है, कोई डाउट? और यदि प्राथमिक कुंडली में, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान घटाया जाता है तो द्वितीयक कुंडली में धारा की दिशा इसकी दिशा में होती है, किसकी दिशा में, प्राथमिक कुंडली इसकी दिशा में होती है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो ये होता है आपका अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पे दो कॉइल होती है और वहां पे सौ प्रेरण में खुद का खुद में ही बन रहा था, इसमें खुद का खुद में, लेकिन यहाँ पास में रखी इससे इसमें बन रहा है, यानी इसको देख देख के ये किसी दूसरे से, यहाँ पे क्या है, अन्योन्य प्रेरण, किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित किया गया, किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेट किया गया, खुद से मोटिवेट नहीं हुआ, खुद से प्रेरित या किसी दूसरे ने यहाँ आके फ्लक्स बनाया, उसी ने क्या बनाया, ईएमएफ बनाया और करंट बनाया, इसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर
है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।